गाइस पहुंच गए, अभी ये मैडम पसंद कर रही हैं कपड़े। सातवां आउटलेट है, चाहिए कपड़े। 9 आउटलेट हो गए और तो गाइस फाइनली शॉपिंग डन। तो गाइस आज है 29वां रोजा और टाइम इस वक्त तकरीबन हो रहा है 5। लोगों का भाई आज जल्दी उठ गया है, वो इसलिए कि हो सकता है कि आज चांद हो जाए, कल ईद हो जाए। और भाई हाल देखो, ना शॉपिंग की है ना कुछ किया है, शॉपिंग भी बस वही की है जो लास्ट व्लॉग में तुम लोगों ने देखा। तो भाई हम तो वो आवाम है जैसे चांद रात में हर चीज़ याद आती है। तो अब जा रहा हूँ सैलून, देखता हूँ रश है क्या है, क्योंकि भाई बड़ा रश होता है मेरे सैलून पे। तो अभी जा रहा हूँ, अल्लाह करे रश ना हो तो जल्दी काम हो जाए, वरना फिर रात में देखेंगे। अभी फिलहाल चलते हैं, चल के देखते हैं क्या सीन। तो भाई दिन में भी ये हाल है भाई, ये लाइन चैन में तो अपन नहीं लग सकते, रात में देखते हैं या फिर कल देखेंगे ईद की नमाज के बाद। अभी फिलहाल चल के दूसरे काम निपटाते हैं, शेफ को स्किप करते हैं। आज के तुम लोगों को पता है कितने काम है, शेप बनवानी थी, कपड़े लेने थे, बेगम को एक सूट दिलाना था, उसकी कुछ चीजें पेंडिंग थी वो पूरी करनी थी, मतलब एक मैं अकेला क्या क्या करे। बात तो सही है। फिलहाल तुम लोगों का भाई टीम जमा कर रहा है, आज इफ्तार करेंगे शुरू। ये आ रहा है एक बॉय टहलता टहलता। बाकी भी आ रहे हैं, सब आएंगे, आज इफ्तार करेंगे शोरूम पे। पहला इफ्तार पूरे रमजान का, आखिरी रोजा शोरूम पे पहुंचे। क्या बोल रहे हो भाई? वालेकुम सलाम, रोजा रखा है? बिल्कुल। चलो भाई देखते आगे का क्या सीन है। तो माशाल्लाह इफ्तार का टाइम हो गया, 7 बज गए, अज़ान भी बज गया, अजान भी हो गई, लेकिन हमारी इफ्तारी अब तक नहीं आई। ये सिगरेट से इफ्तार खोला है, ये वेब से इफ्तार खोला है। ये तो धोती खोल रहा है। तेरा रोजा था मेरा चुनिंदा, ये बातें बताई नहीं जाती। तो गाइस फाइनली ईद का चांद नजर आ गया है, आप सबको शहादतें। अभी अपन ने देखा है शहादतें, टीवी पे अभी तो देखा है, कल ईद होगी। अब देखो ना, कंफर्म नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ भाई। अभी तो टीवी पे देखा है कल ईद होगी, अब लेट्स सी क्या होता है। मेरी तरफ से आप सबको चांद मुबारक एडवांस। मैंने तो मान लिया ईद का लो या परसों, ईद मुबारक, ईद मुबारक, चांद मुबारक। पहली ईद है, कैसा लग रहा है आपको? बकरा ईद है ना, वो तो तुम्हारी ईद थोड़ी है, तुम्हारी ईद तो ये ना मीठी ईद। चलो फिर, चलो 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 खड़ी। अभी इस मैडम की शॉपिंग रह गई है, इसको शॉपिंग कराते हैं जाके। चल खड़ी हो, चलो भाई बाहर चलते हैं फिर। बेगम के काम है छोटे छोटे बच्चों की ईद। क्या शशके करती रहती हो? तो किसके हैं ये छोटे छोटे बच्चों के? नहीं नहीं, चलो जल्दी चलो यार, फिर मेरा रह जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा, मेरा रह जाएगा। नहीं नहीं, आपकी वजह से बनाया है मैंने। नहीं नहीं, खतरा दुनिया और रोडों पे रश शुरू हो गया, सारी आवाम हमारे जैसी है। घर से फाइनली निकल गए, रोड पे बहुत ज्यादा रश है, यहाँ तो सन्नाटा है, रश तो अभी हम छोड़ के आ गए, लेकिन बाकी रोड तो बहुत रश है क्योंकि आज चांद रात है। हर बंदे को आज ही याद आया है, किसी के पास पैसे आ जाए होंगे, किसी की क्या मजबूरी होगी, तो बेचारे आज निकले लोग, लेकिन हम तो मस्ती थी हमें आखिरी की, हम तो इस वजह से नहीं कर पाए। तुम्हारा क्या रह गया? क्या भले भाई, इसको शॉपिंग कराते हैं, अपना अल्लाह खैर करेगा, अपनी भी हो ही जाएगी, इसकी हो जाए काफी है, मेरा अल्लाह बेहतर करेगा। तो बहरहाल अभी जा रहे हैं, पहुंचते हैं फिर मिलता है तुम लोगों से। A few moments later. तो गाइस पहुंच गए, अभी ये मैडम पसंद कर रही हैं कपड़े,
एक शॉप तो हमने कर दी फ्लॉप, हमने क्या इन मैडम ने एक दिन भी आई थी कुछ पसंद नहीं आया। अब देखो भाई कितनी देर में लेती है, अपना क्या होगा इवेंट। चांद रात के हिसाब से तो आज बहुत सन्नाटा है मार्केट में। ये हमारी मैडम बड़ा ख्वार करवा रही है हमें, 6-7 आउटलेट देख चुकी है और अब तक कुछ पसंद नहीं आया इसको। 7वां आउटलेट है, चाहिए कपड़े, 9 आउटलेट हो गए और अब तक कुछ पसंद नहीं आया इन मैडम को। चाहती क्या हो, चाहती क्या हो, जो मैं चाहती हूँ आप नहीं चाहते, कुछ अच्छा पसंद करो ना भाई। मैं ऐसी ही हूँ, मुझे नहीं पसंद चमक। गाइस ऑलमोस्ट पूरा मॉल घूम लिया है और अभी तक इन मैडम को कुछ पसंद ही नहीं आया। 3 फ्लोर का ये मॉल है, पूरे 3 फ्लोर हमने घूम लिए, 3 फ्लोर की हर शॉप लूट ली, लेकिन इसको अभी तक कुछ पसंद नहीं आया। ये अपडेट है भाई। घूमने के बाद एक सूट पसंद आया है, बस अब वो ट्राई होगा और वो हम ले लेंगे, चाहे पसंद आए ना आए, फिर मुझे अपनी भी शॉपिंग करनी है जाके भाई। तुम लोग यकीन नहीं करोगे, पूरा मॉल घूम लिया लेकिन कुछ पसंद नहीं आया इस मैडम को। इसकी पसंद का हम पता नहीं क्या करें, अभी बहरहाल इसको घर छोड़ेंगे क्योंकि इसकी तबीयत इतनी कोई खास अच्छी नहीं है। इसको लेके घूमा जाए, इसको घर ड्रॉप करेंगे, फिर खुद अपनी मर्जी से इसके लिए कपड़े लेंगे। अच्छे सही है ना, है तुम घर जाओ, मैं तुम्हारी अपनी मर्जी से ले आऊँगा तुम्हारी, सही है। तो भाई इसे कहते हैं असल खुआरी, 2-3 घंटे आप पूरा मॉल घूमो और आपको कुछ पसंद नहीं है, कैसा लग रहा है आपको? इसके लिए खुद शॉपिंग करनी पड़ेगी भैया आज। ये मैडम हमारी थक गई आज, कोई बात नहीं मैं ले आऊंगा तुम्हारे लिए, सही है, अपनी पसंद से ले आऊंगा। ओके अ फ्यू इंचेस लेटर। तो भाई फाइनली अपने लिए भी कर लिए जॉबिंग इन सब शक्लों के साथ। तू नहीं देखता, देख भाई को यार यूट्यूब देखा, अब तू भी आएगा भाई। चेलन का नाम तो बताओ। निकल लो, चेलन का नाम है राहिल आसिफ व्लॉग। अरे हाँ, तुम्हारी पसंद से शादी हुई थी, फैन मिल गया। शादी इतनी मशहूर है भाई, तेरे भाई की अप्रोच है शादी। तो भाई ना ना करते भी ये सारी शॉपिंग कर ली है इसने, तो कपड़े भी चेंज कर लिए यहीं पर। हाय गाइस, तो फाइनली शॉपिंग कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग कंप्लीट हो गई सबकी, बेगम की भी शॉपिंग हो गई, वो कपड़े भी घर भिजवा दिए। हाय तो भाई फाइनली 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 काम हो गया कंप्लीट, अब जा रहे हैं सब वापस घर की तरफ। तो गाइस इसको कहते हैं खुआरी, लिटरली खुआरी, जेन्युइन इसको खुआरी कहते हैं। मेरी कमर ऐसी दर्द हो रही है, मैं तुम लोगों को बयान नहीं कर सकता, कमर मेरा बॉडी पूरा। तुम्हारा क्या हाल है? बहुत दोनों टांगे पूरी, दोनों टांगे खत्म हो गई हैं, उंगलियां खत्म हो गई हैं शोपरे पकड़ पकड़ के, लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह 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 काम हो गया, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। कुछ भी नहीं लिया था, लिटरली कुछ भी नहीं लिया था, कोई एक चीज़ भी नहीं ली थी, लेकिन कंप्लीट शॉपिंग कर ली, एक्स्ट्रा ही कर ली हर बार की तरह। तो अभी की अपडेट ये, शॉपिंग हो गई इतनी ख्वारी के बाद। तो भाई अब जाके हुआ हूँ मैं फ्री, टाइम हो रहा है तकरीबन 7:00, अभी भाग रहा हूँ घर पे, नमाज का टाइम ख़त्म हो चुका है, अब कहीं और जाके नमाज पढ़नी पड़ेगी। तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करूंगा, उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। ये देखो बड़ी स्पीड में गाड़ी भगा रहा हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखो, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।